अबे यो मियाँ, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। जी अबू। कल ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था। हाँ बेटा, हमने तुम्हारी वहां पे शादी तय कर दी है। बस तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओ, फिर हम सब ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। और तुम्हारी शादी ऑस्ट्रेलिया में ही करेंगे। तुम्हें पता है वहां पे रिश्तेदार कितने खुश थे। वहां शादी नहीं करूंगा, बहुत बार बता चुका हूं। फिर तुम्हें करना क्या है, कहां करोगे शादी? यहां करूंगा, निमो के साथ। दिमाग खराब हो गया इसका, पागल हो गया ये। ये तुम क्या कह रहे हो, निमो तो शादीशुदा है। है, लेकिन रहेगी नहीं, क्योंकि बहुत जल्द उसकी तलाक हो जाएगी। क्या 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 कहा तुमने, तलाक होने वाली है? काशिफ की पहली बीवी हिना यहाँ आ चुकी है, अब तो सिर्फ तलाक होगी, उसके बाद मैं निमो से शादी करूंगा और निमो के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। टांग के साथ साथ ना इसका दिमाग भी करेक्ट हो गया। अयुब बेटा, अब हमें और परेशान मत करो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि उसे तलाक ही होगी? होगी। वो कैसे? क्योंकि काशिफ की पहली बीवी हिना को मैंने ही बुलाया था कराची, और काशिफ की सारी हकीकत निमो को मैंने ही बताई। वाह 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 बेटा वाह। इसने ही तुम्हारे मामू को हिना के बारे में बताया। अगर हिना है नहीं तो आप बार बार उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने लिया उसका नाम। लेकिन आप तो ऐसे तासुर दे रहे हैं जैसे हिना वाकई हो। नहीं है, लेकिन अब मैं उस लड़के को ढूंढूंगा और इससे पूछूंगा कि सच क्या है। मेरे कपड़े। तो कैसे गुजरे आपके दिन? जवाब नहीं देंगी तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे सवालों से बच सकेंगी। भाभी, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। तो फिर हम अय्यूब से जवाब मांग लेते। ये आंखें मत दिखाएं भाभी, हम निकाल भी लेते। अपने पुराने मोहल्ले में रही हो, अय्यूब से मुलाकात तो हुई होगी ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज जाओ यहां से। अच्छा, अय्यूब का फोन नंबर तो होगा ही, बात तो कराएं जरा। मेरे पास किसी का कोई नंबर नहीं है। सोचो, जिस दिन आशिफ भाई को पता चला कि आप और अय्यूब, तो उस दिन क्या होगा ना? खुदा के लिए प्लीज आप यहां से चली जाए। कपड़े ठीक से हुए हैं? हाँ भाई,